हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं आलू से बनने वाला बहुत ही अमेजिंग नाश्ता। और इसकी खासियत यह है कि इसमें आलू को उबालने का झंझट नहीं है और ना ही गैस की बर्बादी है। बहुत ही कम टाइम में ये नाश्ता बन जाता है। खाने में इतना ज्यादा क्रिस्पी लगता है कि आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाकर खाएंगे, ये मेरी गारंटी है। और नाश्ते के लिए बहुत ही कम चीजों की जरूरत पड़ती है। जो चीजें मैं इस्तेमाल करूंगी वो आपको आसानी से किचन में मिल जाएगी। तो इसे बनाने के लिए मैंने लिया है 250 ग्राम आलू, जो मेरी मात्रा में 2 है और वजन में 250 ग्राम है। और अगर आपकी फैमिली लंबी है तो आलू की मात्रा बढ़ा लीजिएगा, अगर आपकी फैमिली छोटी है तो आलू की मात्रा घटा लीजिएगा। तो आलू को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, फिर उसके बाद छील लिया। छीलने के बाद 2 पानी धुल लिया है। और अब हम क्या करेंगे, आलू को हमें ग्रेट करना है। और ग्रेट करने के लिए हमें मोटा वाला कद्दूकस का इस्तेमाल करना है, इससे हमें ग्रेट करना है और ग्रेट करके तुरंत पानी में डालना है। तो मैं आलू को अच्छे से ग्रेट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड, ये नाश्ता बहुत ही झटपट बन जाता है, आप जरूर देखिएगा वीडियो लास्ट तक, आपको काफी मजेदार लगेगी ये रेसिपी। तो इस तरह से हम इसे ग्रेट कर लेंगे और फिर पानी में डाल देंगे। तो ख्याल ये रखना है, मोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट करना है ताकि इसके मोटे मोटे लच्छे हो। मोटे मोटे लच्छे से ही अमेजिंग सा नाश्ता बनेगा। तो मैं ग्रेट करके आपको दिखाती हूँ दोनों आलू को। तो फ्रेंड, इस तरह से देखिए मैंने ग्रेट कर लिया, आलू के बड़े बड़े लच्छे हमें मिल गए हैं। और अब हम इसे बिना टाइम को बर्बाद किए तुरंत पानी में डाल देंगे, नहीं तो आलू के लच्छे बहुत ही जल्दी काले हो जाते हैं। तो मैंने चिल वाटर रखा है, थोड़ा सा ठंडा होना चाहिए। और इसमें हम आलू जब डालेंगे तो लच्छे हमारे अच्छे से खिले खिले बनेंगे। और इस तरह से अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और जो इसका स्टार्च होगा, यानी जो सफेद पानी निकलता है, जैसे चावल में माड़ होती है वैसे आलुओं में भी अपनी माड़ होती है, तो इसीलिए हम 2-3 पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे। और ये करना जरूरी है, तो अच्छे से वॉश करके मैं आपको लेके आती हूँ। तो 3 पानी में मैं इसे वॉश करूंगी और फिर मैं इसे छान के लेके आती हूँ, आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड, ये देखिए मैंने आलू को अच्छे से 3-4 पानी धुल लिया है। और इस तरह से पानी जब आपका साफ दिखने लगे तब तक आपको इसको वॉश करना है। तो ये रेडी हो चुका है और अब इसे हम साइड में रख देंगे। और लेंगे एक छोटा वाला मिक्सी जार और इसमें हम डालेंगे 250 ग्राम चावल। और ये नॉर्मली चावल है जो आप लोग खाते हैं, मोटे वाले चावल का इस्तेमाल करना है। और इसका हम पाउडर बनाएंगे। अगर आपके पास चावल का आटा है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत लोगों की शिकायत होती है कि उनके पास चावल का आटा नहीं होता है। तो आप इसी चीज से बना सकते हैं चावल का आटा, इसको डालकर महीन सा बिल्कुल पीस लीजिएगा। और इसे बनाते समय आपको ख्याल ये रखना है कि चावल को अच्छे से भिगोकर धूप में सुखा लीजिएगा और फिर अच्छे से पोंछ लीजिएगा, तब बनाइएगा। अगर आपके पास वहां धूप ना हो तो आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन अच्छे से कपड़े से 3-4 बार इसे पोंछ लीजिएगा। अब मैं इसे डालकर इस तरह से डाल देती हूँ और इसका पाउडर बनाकर बिल्कुल बारीक पाउडर बनाएंगे। मिक्सी को बार बार रोक रोक के चलाना है और कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है इसमें। बस अब इसका पाउडर बनाकर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड, ये देखिए मैंने पाउडर बना लिया। इस तरह से आपका पाउडर रेडी हो जाएगा। अगर आपका बिल्कुल दरदरा हो तो आप इसे छन्नी में डालकर छान लीजिएगा, लेकिन बिल्कुल फाइन पीसिएगा। इसमें जो है, ये देखिए चावल एक दो रह भी गया तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसे निकाल देंगे। और इस तरह से हमने इसका पाउडर रेडी कर लिया है। जिसके पास चावल का आटा ना हो आप इसी तरह चावल का आटा बना लीजिएगा। बहुत बार मुझे कमेंट आता है कि चावल का आटा नहीं है, तो इसीलिए मैंने इस वीडियो में आप लोग को चावल का आटा बनाकर दिखाया, ताकि जो आपकी मुश्किलें हैं वो आसान हो जाए और आप बिना मार्केट के भी बना सकते हैं घर में चावल का आटा इस तरह से। तो ये दोनों चीजें हमारी रेडी हो चुकी हैं। हम चलते हैं गैस की तरफ, बिना टाइम बर्बाद किए फटाफट बनाते हैं ये अमेजिंग सा नाश्ता। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को जरा भी अच्छी लगे तो इसे एक लाइक जरूर दीजिएगा और फैमिली फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं गैस की तरफ। तो फ्रेंड, आ गए गैस की तरफ और हम इसमें डालेंगे ऑयल। तो ऑयल डाल के अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। तो फ्रेंड, ऑयल हमारा गर्म हो गया तो हम लेंगे जीरा और थोड़ी सी हींग, दोनों को हम डाल देंगे। आधा चम्मच जीरा है और आधी चम्मच हींग है और दोनों को अच्छे से तड़कने देंगे। और अब इसमें हम डालेंगे प्याज, तो एक बिल्कुल नन्ही सी प्याज मीडियम साइज की, वो हम मोटा मोटा चॉप कर लेंगे और इस तरह से उसके अंदर ऐड कर देंगे। और प्याज को हमें हल्का सा भूनना है, कच्चापन दूर करना है। और अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हल्दी, बहुत ज्यादा हल्दी नहीं जाएगी, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। तो कुटी हुई लाल मिर्च डालें, आप चाहे तो पिसी वाली भी डाल सकते हैं। और उसे अच्छे से हम मिला लेंगे। और यहाँ पे अच्छे से मिलाने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन। तो थोड़ी सी अजवाइन लेके इस तरह से हाथ से डाल देंगे और सारी चीजों को अच्छे से भून लेना है। मसाले बिल्कुल भी कच्चे नहीं होने चाहिए और हल्दी अच्छे से भून जाए। तो अब हम इसमें डालेंगे चावल का आटा जो हमने पीस कर रखा है, वो सारा का सारा हम इसके अंदर डाल देंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। और यहाँ पे हमें इसे लमसम 2 मिनट तक धीमी आंच पर बहुत ही अच्छे से लाल होकर, सॉरी लाल होने तक भूनना है।
धीमी धीमी आंच पर बढ़िया सा कलर आने तक। यहाँ पे आपको 2 मिनट का टाइम देना पड़ेगा और मीडियम फ्लेम पर ही भूनना है। बहुत ज्यादा हाई फ्लेम पर भूनेंगे तो चावल का आटा फटाक से जल जाता है। तो अब हम इसे, तो फ्रेंड देखिए अच्छे से हमारा ये चावल का आटा भुन गया है और हमने इसे 2 मिनट भूना है। और अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे, तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें इसे ऐड करना है। बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना है, आधे ग्लास पानी हम डालेंगे लेकिन एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे, मिक्स करते जाएंगे और फिर डालते जाएंगे। तो इस तरह से हम अपना सारा पानी डाल देंगे और अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और अच्छे से मिक्स करके बिल्कुल एक डो की शक्ल में बना लेंगे। तो फ्रेंड देखिए इस तरह से अच्छे से मैंने मिला लिया है और ये इस तरह से बिल्कुल बंधने लगा है। देखिए इस कंडीशन में होता है, इस तरह से जब आप इसको छुए तो ये बंधना चाहिए, देखिए इजिली बंधना चाहिए। और अब हमें इतना ही पानी ऐड करना था और ज्यादा ऐड नहीं करना है। और ये जो हमने आलू रखे थे इसको अब हमें अच्छे से बिल्कुल इसका सारा पानी को रिमूव करके इसके अंदर ऐड करना है। तो देखिए इस तरह से बिल्कुल पानी नहीं जाना चाहिए और सारा का सारा आलू हम इस तरह से निचोड़ते हुए इसके अंदर ऐड करेंगे, इस तरह से देखिए। तो पहले एक बार में सारा आलू डाल देंगे फिर मिक्स करेंगे। तो पानी बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, अच्छे से आपको हाथों से इसे दबाकर इस तरह से डालना है। तो देखिए आलू के लच्छे कितने साफ हैं क्योंकि हमने इसे 3-4 पानी अच्छे से वॉश किया है। और अब ये आलू के लच्छे बहुत ज्यादा जल्दी टूटेंगे नहीं और अच्छे से खिले खिले से बनेंगे। तो हमने सारा डाल दिया है और अब हम इसे मिक्स करेंगे और मिक्स करके इसके साथ मिला लेंगे। और आलू के लच्छे को ज्यादा नहीं पकाना है, बस हल्का सा 2 मिनट तक कुक करेंगे क्योंकि आलू के पतले पतले लच्छे हैं और फटाफट ये कुक हो जाएंगे। तो अब हम इसे इस तरह से कर देंगे, हल्का हल्का सा मिलाकर ढक्कन लगाकर 2 मिनट छोड़ देंगे। तो फ्रेंड इस तरह से हमने आलू के लच्छे डाल दिए, अब इसे हम ढक्कन लगाकर रख देंगे और इसे हम अच्छे से कवर करके रखेंगे 2 मिनट ताकि आलू हमारे हल्के से सॉफ्ट हो जाए। तो इस तरह से हम इसे इसी से ढक दे रहे हैं और अब इसे हम 2 मिनट बाद चेक करेंगे। तो फ्रेंड 2 मिनट हो गए हैं, आइए अपने आलू को चेक करते हैं। तो इस तरह से हमने हटा दिया ढक्कन और इस तरह से देखेंगे तो अब हमारे आलू अच्छे से हल्के से सॉफ्ट हो चुके हैं और टूट रहे हैं अभी इससे, बस इतना ही हमें सॉफ्ट करना है। बहुत ज्यादा आलू को सॉफ्ट करेंगे तो हमारे आलू के लच्छे खिले खिले नहीं आएंगे और हमें इस नाश्ते में बहुत ही अच्छा लच्छा चाहिए ताकि हमारा नाश्ता देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत लगे। तो इस तरह से अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और ये देखिए अच्छे से ये बंधने लगा है। इस तरह से काफी गर्म है ये, तो थोड़ा सा ठंडा होने का वेट करेंगे। देखिए काफी ज्यादा बंद रहा है तो अब हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, फिर इसे हम निकाल कर इसका नाश्ता बनाएंगे। तो इस तरह से आपको इसे ढककर 2 मिनट रखना है, घड़ी देख के जरा रखने की जरूरत नहीं है। और बहुत ही अमेजिंग नाश्ता लगता है, एक बार आप बना के खाएंगे तो बार बार बनाकर खाएंगे। और ये बिल्कुल भी खराब नहीं होता हफ्ते भर क्योंकि ये पानी से नहीं बना है और पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं यूज होता है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं एक अलग बर्तन में या फिर इसी में ही ठंडा होने देंगे। तो इसी में ही ठंडा होने देते हैं, हमें अलग बर्तन जरूरत नहीं है। बिना बजट बर्तन को वेस्ट करने से आपकी ही मुसीबतें बढ़ेंगी, तो इसीलिए हम इसे इसी में ठंडा होने देंगे। तो फ्रेंड इस तरह से ये नाश्ता देखिए हल्का सा ठंडा हो गया है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है नहीं तो इसे नाश्ता बनाने में आपको दिक्कत होगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसका नाश्ता बनाएंगे। तो इस तरह से ले लेंगे और इसे आप जिस शेप में चाहें उस शेप में बना सकते हैं। हल्के हाथों से करेंगे ताकि इसके लच्छे बिल्कुल बढ़िया बढ़िया खिले खिले से बने और इस तरह से हम इसको शेप देंगे। और एंगल में बना रही हूँ, आप चाहें तो किसी भी शेप में बना सकते हैं इस तरह से चारों तरफ से। तो फ्रेंड इस तरह से हम इसे बना रहे हैं, आप चाहें तो इसमें हरा धनिया भी डाल सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल हो। तो इस तरह से अब हम सारे बनाते जाएंगे तो बहुत ही आसानी से ये बन जाता है और बिल्कुल भी खराब नहीं होता। इस तरह से हल्का सा गर्म होगा तभी आपको इसे फटाफट शेप दे देना है। शेप आप जो भी चाहें वो दे सकते हैं, मुझे ये शेप पसंद है तो मैं इस शेप में बना रही हूँ, आपको जो पसंद हो उसमें बनाइएगा। तो इस तरह से हमें साइड से इसको करना है और ये शेप बहुत ही आसानी से बन जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और चावल का है तो बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी लगता है और आलू के जो लच्छे मुंह में आते हैं वो बच्चों को बहुत ज़्यादा खुश कर सकते हैं। तो इस तरह से जीरा हींग अजवाइन का जो फ्लेवर है बहुत ज़्यादा ब्लास्ट करता है मुँह में, मज़ा आ जाता है खा के। तो ये शेप हमारा इस तरह से रेडी हो चुका है और इसी तरह हम अपने सारे बना लेंगे। तो बहुत ही आसानी से बन जाता है, मैं सारे बना के आपको दिखाती हूँ।
तो फ्रेंड इस तरह से मैंने ये टिक्किया तैयार करके रख ली है। देखिए कितनी ज्यादा खूबसूरत लग रही है, और इसमें आलू के लच्छे कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं। खाने में इतना मजा आएगा आलू के लच्छे का कि आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बना के खाएंगे। तो फ्रेंड आप चाहें तो इसे इस तरह से फ्रिज में लगा के रख सकते हैं, जब आपका मन हो तब आप फ्राई कीजिए, पूरे एक हफ्ते ये खराब नहीं होंगे। अगर आप फ्राई करके रखते हैं तो पूरे 15 दिन तक ये खराब नहीं होंगे। तो चलते हैं गैस की तरफ, हम इसे बनाते हैं। तो फ्रेंड बहुत ही कम तेल में हम इसे बनाएंगे, तो हम थोड़ा सा तेल डालेंगे आधा चम्मच तक, और इसे अच्छे से फैला लेंगे अपने तावे पे। आप चाहें तो इसे फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन सवेरे सवेरे मॉर्निंग में आप फ्राई खाएंगे तो आपके लिए अच्छा नहीं है, पूरा दिन आपको आलस बनाएगा। तो आप बहुत ही कम ऑयल में बनाकर खाइए, जितना कम से कम तेल में आप नाश्ता करेंगे उतनी आपको एनर्जी महसूस होगी। तो अब हम इसे तावे पे रख दिया है और अच्छे से गर्म करेंगे जब तक कि तेल से धुआं ना निकलने लगे और तावा हमारा अच्छे से गर्म हो जाए। तो तावे का गर्म होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फ्रेंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट मिले सबसे पहले। और आप कोई भी शेयर बना सकते हैं, आप इसी शेयर में नहीं बनाइए, आपका जैसा मन हो वैसा शेयर दे सकते हैं, लेकिन इस तरह से ये बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो इस तरह से देखिए हमारे तेल में अच्छे से धुआं निकलने लगा है। तो अब हम इसमें ये अपने नाश्ते को प्यार से सजा देंगे। और इस तरह से हम इसे रखते जाएंगे। तो अगर आपका तावा बड़ा है तो आप एक बार में सब फैला सकते हैं, लेकिन अगर आपका तावा छोटा है तो आप एक बार में आधे आधे फ्राई कीजिएगा। तो इस तरह से हम इसे सलो फ्राई कर रहे हैं, आप चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, वो भी आपको आसानी से हो जाएगा, लेकिन उसमें ऑयल ज्यादा लगेगा। अगर आप ज्यादा ऑयली नहीं खाना चाहते तो इस तरह से बना सकते हैं। तो मैं बहुत ज्यादा ऑयली नहीं खाना पसंद करती हूँ, और ये बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी लगता है, क्योंकि ये चावल का बना है और इसमें आलू जो पड़ा है वो बहुत ही ज्यादा क्रंची होगा, और आलू के जो लच्छे आएंगे तो आपको मजा आ जाएगा। तो इस तरह से हम धीमे धीमे आंच पर इसे पकने देंगे 2 मिनट तक। तो इस फ्रेंड इसमें पकने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि आलू हमारा पहले से आधा हमने पका लिया था, आलू के लच्छे हैं तो इसे पकने में टाइम नहीं लगेगा, और चावल का आटा भी हमने पहले ही पका लिया है। तो अब हम इसे धीमे धीमे आंच पर 1 मिनट पकने देंगे, और फिर उसके बाद हाई फ्लेम पर करके 10 मिनट बाद टर्न करेंगे। तो फ्रेंड 1 मिनट हो चुका है और अब हम 10 सेकंड इसे हाई फ्लेम पर करेंगे। तो घड़ी देख के 10 सेकंड, तो इस तरह से 10 सेकंड हो गए हैं। अब इसे हम टर्न आउट कर लेंगे, और ये देखिए कितना प्यारा कलर आ चुका है, और इस तरह से ये अच्छे से सेक गए हैं, और इसे हम सभी को टर्न कर लेंगे। और ये काम आप नाइफ से कर लीजिए, बहुत ही आसानी से हो जाता है, कोई भी ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं लगेगा। ये वाला भी टर्न कर लेते हैं, और ये वाला भी। तो अब इसे हम दूसरे साइड से भी अच्छे से 2 मिनट पका लेंगे धीमे धीमे आंच पर, और फिर इसके बाद 10 सेकंड हम उधर से भी क्रिस्पी करेंगे और निकाल लेंगे फटाफट। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुके हैं, अब 10 सेकंड हम हाई फ्लेम पे करेंगे और फिर इसके बाद हम इसे निकाल देंगे। तो दूसरे साइड से भी अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं, ये देखिए बहुत ही बढ़िया कलर आ चुका है, और इस साइड से भी सेक चुके हैं, और अब इसे हम फटाफट निकाल लेते हैं प्लेट में और सर्व करते हैं। तो फ्रेंड इस तरह से अभी हम 10 सेकंड रखेंगे बस, और इस तरह से हम इसे हिलाते जाएंगे। तो देखिए कितना अमेजिंग नाश्ता लगता है, आप इसे हवा बंद डिब्बे में स्टोर कर सकते हैं पूरे पूरे 15 दिन, लेकिन ठंडा होकर ही स्टोर कीजिएगा, जब आपका मन हो बारिश में खा सकते हैं। तो अब मैं इसे निकाल रही हूँ। तो फ्रेंड तैयार है हमारा कच्चे आलू का और चावल के आटे का ये अमेजिंग सा नाश्ता, जरूर ट्राई कीजिएगा। मैंने इसे केचप के साथ सर्व किया, आप चाहें तो इसे हरी चटनी के साथ, चाय के साथ, या ऐसे भी एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लगता है, इसके जो लच्छे हैं बहुत ज्यादा मुंह में आते हैं, और इस तरह से बहुत ही भरपूर टेस्टी से टेस्ट से भरपूर है। आप जरूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा। नाश्ता पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट मिले सबसे पहले।